महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में बुलाई गई थी। महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था कि वो आए और भाजपा को कोसें। भाजपा को कोसने की शुरुआत सबसे पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने की, उसके बाद मोर्चा संभाला राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने। महागठबंधन सरकार के ऊपर लगाए जा रहे भाजपा के आरोपों के ऊपर महागठबंधन के नेताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा पर हल्ला बोला। इस महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी दल को शामिल होना था, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल सातवां दल पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हमको न्योता तक नहीं दिया गया था। जीतनराम मांझी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर बताया कि उनको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी कि आज महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को कोसना है। बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी में जीतनराम मांझी को महागठबंधन के जो नेता हैं वो छोड़ दिए थे। आपको बता दें कि महागठबंधन में जीतनराम मांझी बराबर की भूमिका में है। गठबंधन की सरकार में उनके पार्टी से भी संतोष सुमन मंत्री हैं। आरजेडी के तरफ से पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में सभी दलों को बुला लिया गया था। इसके पहले भी आरजेडी जिन जिन नेताओं को जिन जिन दल के नेताओं को बुलाती थी उनको तो निमंत्रण दे दी थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जिनको बुलाना था उनको सूचना ही नहीं दी गई। नीतीश कैबिनेट में पहले एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी जनता दल यूनाइटेड के भरोसे चल रहे थे, लेकिन महागठबंधन में शामिल होने के बाद भी मांझी की अभी भी वही हाल है। मांझी को अभी भी महागठबंधन के जो दूसरे दल के नेता है, खासतौर पर राजद या अन्य दल, वो अभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ ही जोड़कर देख रहे हैं। यही वजह है कि राजद जिन नेताओं को इसके पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाती थी उसे तो बुलावा भेज दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी के पास निमंत्रण नहीं गया। ये कहना है उनके पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का। आपको बता दें कि महागठबंधन की एकता को दिखाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, लेकिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतनराम मांझी को इससे दूर रखा गया। तमाम दलों ने भाजपा पर निशाना साधा, भाजपा के ऊपर हमला बोला, साथ ही साथ सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर भी निशाना साधा। आरोप लगाया कि सब बीजेपी बौखलाहट में इस तरीके के एजेंसियों को भेजकर आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रही है। साजिश रचने का आरोप लगाने के लिए बैठी महागठबंधन की जो टीम थी उसके चेहरे तो कई थे, लेकिन उसमें जीतनराम मांझी के पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। इस पर अब सियासत शुरू हो गई है कि क्या महागठबंधन की एकता पहली बैठक में दूर होती दिख रही है।